विवादित जमीन खरीदने से अक्सर लोग बचते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में एक शख्स ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विवादित जमीन खरीदने का बोर्ड लगा दिया, जिसे देख के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा नाराज हो गए और अब वो बोर्ड अपनी जगह पर नहीं है। देखिए उस विवादित बोर्ड के लगने और हटने की पूरी दास्तान। छिंदवाड़ा शहर के देहात थाने से केवल 500 मीटर पर लगे इस बोर्ड को देखिए, ये कोई सामान्य बोर्ड नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। ध्यान से पढ़िए, बोर्ड पर लिखा है, हम पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विवादित जमीन खरीदते हैं, इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। छिंदवाड़ा पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की निगाहें भी इस बोर्ड और उसमें लिखी इबारत पर पड़ी, जिसके बाद वीडी शर्मा ने बोर्ड लगवाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मैं देखता हूं एक मकान पर बड़ा बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पर क्या लिखा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर कोई भी विवादित भूमि का टेंडर देना है तो हम इसके लिए टेंडर लेते हैं, आप आइए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ये, फलाना नाम लिखा है। ये दुर्भाग्य प्रशासन का, क्या इस प्रकार का गुंडिज्म क्या छिंदवाड़ा के अंदर स्वीकार किया जाएगा? ऐसे लोग कैसे छिंदवाड़ा के अंदर बैठे हैं? ये नहीं चलेगा और ये किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। बीडी शर्मा की नाराजगी के बाद प्रशासन फौरन हरकत में आया और बोर्ड लगाने वाले के बारे में जानकारी जमा की, जिसके मुताबिक ये बोर्ड सलीमुद्दीन नाम के एक शख्स ने लगाया था। फिलहाल इस बोर्ड को हटा दिया गया है। विवादित भूमि को लेके एक लिखा हुआ है, तो गैर कानूनी भाषा है निसंदेह, और इस पर कार्रवाई हुई है। सवाल ये है कि आखिर कैसे कोई विवादित जमीन खरीदने का दावा कर सकता है? क्या इस तरह के बोर्ड और विज्ञापन के जरिए लोगों को ठगने की योजना थी? प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।